नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। गोरखपुर से बीजेपी के सांसद रवि किशन ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक नसीहत दे डाली। क्या कुछ कहा है रवि किशन ने, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को नसीहत दी है। रवि किशन ने कहा है कि उत्तर प्रदेश बाहुबलियों, आतंकियों और माफियाओं वाला प्रदेश नहीं बल्कि गंभीर उत्तर प्रदेश है, इसीलिए गुंडों वाली भाषा से उन्हें बचना चाहिए। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच नोकझोंक हुई थी। इस दौरान अखिलेश यादव ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को तुम तड़ाक तक बोल दिया था। अखिलेश यादव की इसी टिप्पणी पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि वो अखिलेश यादव का सम्मान करते हैं, लेकिन सदन में उन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के लिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, इससे उनकी ही छवि और धूमिल हुई है। रवि किशन ने कहा कि अखिलेश यादव को साल 2022 के विधानसभा चुनाव में मिली हार का बुरी तरह से झटका लगा है, इसीलिए वो ऐसी भाषा पर उतर आए हैं। रवि किशन ने कहा कि अखिलेश यादव विपक्ष के एक बड़े नेता हैं, उन्हें सदन में किसी के लिए तू तड़ाक अबे तबे जैसे अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हार जीत लगी रहती है, मुझे कल उनकी बातों से, मैं उनको जानता हूँ, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, आदर विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन कल उनकी जो बोली और वाणी थी सदन में, एक सदन की गरिमा होती है, हम लोग भी पार्लियामेंट में दिल्ली में बैठते हैं, उस गरिमा का उन्होंने पालन नहीं किया। तू तड़ाक और एबे वे ओबे जो शब्दों का इस्तेमाल था, उनसे उनकी छवि बड़ी धूमिल हुई है, और वो उनसे पता चलता है कि उन्होंने उनको हार बहुत बुरी तरह उनको हार का झटका लगा है और हार को वो पचा नहीं पाए हैं। देखिए, हार जीत का मतलब ये नहीं कि आप सम्मान करना भूल जाएँ, और नेता अगर हमारे अभी सरकार के नेता हैं और हमारे उप मंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, सीनियर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ताओं संगठन के साथ रहे, उनके साथ शब्दावली जैसे उनकी रही, उससे देश में इनकी छवि बहुत गिरी है अखिलेश यादव जी की, जो कि ऐसी हमको उम्मीद नहीं थी। कि हमको लगा था सदन में गए हैं, विपक्ष के इतने बड़े नेता हैं, 100 से ज़्यादा उनकी सीटें हैं, एक गंभीरता रहेगी, एक शालीनता रहेगी, और अब एक गंभीर उत्तर प्रदेश है, ये बाहुबली और आतंकवादियों और माफियाओं का नहीं है, गुंडे वाली भाषा और गुंडे शब्दों से बचना चाहिए। ठीक है सर, आप फिल्म इंडस्ट्रीज के, आपको बता दें कि सांसद रवि किशन गुरुवार की रात जौनपुर के बटहर गांव में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुँचे थे, जहाँ पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने योगी सरकार की तरफ से पेश किए गए बजट को उत्तर प्रदेश के लिए कल्याणकारी बजट बताया। उन्होंने कहा कि एक संत और निस्वार्थ त्यागी से आप यही उम्मीद कर सकते हैं। रवि किशन ने कहा कि इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे देश भर में मशहूर हैं। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि योगी सरकार की ओर से पेश किया गया बजट जन कल्याणकारी है, इससे पूरे उत्तर प्रदेश का विकास होगा। ये बजट महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, मेडिकल, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा के लिए, गरीबों और किसानों के लिए है। गोरखपुर में 300 करोड़ का आयुष विद्यालय बन रहा है, गोरखपुर टूरिज्म का हब बन चुका है, गोरखपुर को मेट्रो के लिए 100 करोड़ का बजट दिया गया है। इसके लिए रवि किशन ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्वीट करके बधाई भी दी है। उन्होंने कहा कि इस बजट से पूरे उत्तर प्रदेश का कल्याण होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नया उत्तर प्रदेश बनेगा, इस बजट से कहीं किसी के ऊपर कोई बोझ नहीं आया है। वहीं इस दौरान जब उनसे मथुरा काशी ज्ञानवापी को लेकर सवाल किया गया, तो रवि किशन ने कहा कि काशी में महादेव है, महादेव स्वयं शंभु है, वो अपनी अपनी जगह ले रहे हैं। हालांकि ज्ञानवापी का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसीलिए एक सांसद होने के नाते अभी इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि भगवान अपना स्थान खुद ले रहे हैं, हम इंसान उनके लिए क्या सोचेंगे, भगवान अपने स्थान पर स्वयं पुनर्स्थापित हो रहे हैं। नहीं, हम काशी मथुरा के बारे में, महादेव हैं, इस सब बढ़िया है, जो होगा देखिए, जो सत्य है,
महादेव अपना स्थान खुद ले रहे हैं, भगवान अपना स्थान का हम इंसान क्या सोचेंगे। भगवान की जो जो भूमि है, भगवान अपने इस भूमि पे दोबारा पुनः स्थापित हो रहे हैं, स्वयं हो रहे हैं, यानी कि ज्ञान व्यापी में मिले शिवलिंग को लेकर सब स्वयंभू, देखिए स्वयंभू अपनी अपनी जगह ले रहे हैं। अभी वो मामला सुप्रीम कोर्ट में, जब न्यायालय में रहता है उस पर किसी को टिप्पणी, खासकर मैं एक गोरखपुर का सांसद हूँ तो मुझे टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा। सर देखा जा रहा है, रवि किशन की एक बात में तो दम है कि शायद जनता ने जो अखिलेश यादव का सपना चकनाचूर किया है, उनको नकार दिया है, उसको वो पचा नहीं पा रहे, तभी विधानसभा में तू तड़ाक जैसे अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।